तो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आकाश, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि एक नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसी ट्रिप के लिए मैंने लिया एक पोर्टेबल स्टोव जो कि मंगाया मैंने अमेजोन से, हैंस कंपनी का। तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोव छोटे साइज का, आप देख सकते हैं कितना छोटा है, हाथ से अंदाजा लगा सकते हैं। ये चार कैंस ऊपर जो इसके अंदर लगेंगे, पूरा खोल के दिखाता हूँ आपको। ये है चार कैंस हैंस कंपनी के, इसमें ब्यूटेन गैस होती है और ये है एक छोटा सा पोर्टेबल स्टोव। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना छोटा है ये आईफोन रखा है मैंने ऊपर, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑपरेटिंग मैनुअल, ये है स्टोव इटसेल्फ, काफ़ी हल्का और काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है देखने में, तो और काफ़ी इजी टू कैरी हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पोर्टेबल बैग जस्ट लाइक अ ब्रीफकेस। तो चलिए इसका सेटअप करता हूँ और आपको इसको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक गैस कैन लग जाएगा, इसको खोल के एक गैस कैन खोल के देखते हैं। थोड़ी मुश्किल हुई मुझे एक बार सीखने में, बट इजी है। इस क्लिप को ऊपर खींच के आप इसका देख सकते हैं, यहाँ छोटा सा एक कट है, इसको अलाइन करना है यहाँ से। और यहाँ से बंद करना है और इसको ऐसे लॉक कर देना। यहाँ पे इसकी एक नॉब है, इससे नॉर्मल हमारे घर के रेगुलेटर होता है गैस रेगुलेटर, और इसको हमने यहाँ से घुमा के इसको ऑन करना है। ऑफ ऑन का यहाँ लिखा हुआ है ऑफ एंड ऑन, अगर इसको घुमाएंगे तो इसके अंदर ही ऑलरेडी इग्निशन है, तो हमें लाइटर की या मैचस्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चला के दिखा सकता हूँ, आप इंडोर्स है तो आपको पता नहीं चलेगा, बट काफ़ी हीट इसकी आ रही है मुझे, तो ये कैंपिंग ट्रिप के लिए सफिशियंट रहेगा। तो पोर्टेबल गैस स्टोव ही क्यों? पोर्टेबल गैस स्टोव इसीलिए क्योंकि अगर हम ट्रैकिंग ट्रिप पे जा रहे हैं या माउंटेन्स पे जा रहे हैं, तो अगर हम छोटा सिलेंडर लेके जाते हैं 4 किलो वाला, जो कि हम पहले काफ़ी ट्रिप पे ले जा चुके हैं, अपने लद्दाख ट्रिप पे भी लेके गया था, अगर आप वीडियोज़ देखी हैं मेरी तो आपको पता होगा, बट वो काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि वो थर्ड पार्टी सिलेंडर होते हैं, किसी कंपनी के होते नहीं हैं, और गैस का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है माउंटेन्स पे। जैसे आप हाइक पे जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि चिप्स के पैकेट भी माउंटेन्स पे काफ़ी ज़्यादा फुले हो जाते हैं गैस की वजह से, तो उसी रिस्क के चलते ही और वो ट्रैकिंग ट्रिप पे ले जाना भी बहुत मुश्किल है वो सिलेंडर। इन दोनों चीज़ों को देखते ही मैंने ये ऑर्डर किया है स्टोव, इसका एक छोटा सा सिलेंडर भी है, तो काफ़ी सेफ्टी रहेगी, सेफ्टी पर्पज वाइज भी अच्छा है और कैरी करने के वाइज भी, पोर्टेबिलिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो हमारे पोर्टेबल छोटे से स्टोव की, आप देख सकते हैं कितना छोटा है और 2 या 3 किलो का ही है, तो इजी टू कैरी है। यहाँ पे इसके लॉक भी हैं, तो इसको इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं हम ट्रैकिंग ट्रिप पे या कहीं भी अपने एडवेंचर ट्रिप पे। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा अपनी फर्दर वीडियोज़ में जब इसको मैं यूज़ करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।